सर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मिंग एजुकेशन में। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भैया। सर अपना नाम और अपने डेयरी फार्म का एड्रेस बताएं। भूपेश कुमार शुक्ला और शुक्ला डेयरी फार्म कामता टोला। अच्छा, कामता टोला सतना, मध्य प्रदेश। तो सर अपना डेयरी फार्म कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ भैया 1990 में। 1990 में शुरू हुआ था। आपने शुरू किया था कि आपके फैमिली में पापा जी? हमारे बड़े भैया किए रहे। बड़े भैया ने किया था। अच्छा, कितने जानवरों से शुरू किया था? हमने किया था भैया 7-8 जानवरों से। 7-8 जानवर से। अब कितने जानवर हैं आपके पास? 37। 37 जानवर हो गए। अच्छा, तो तब भी जैसे 1990 में आपका डेयरी स्टार्ट हुआ था और आज 2023 चल रहा है तो मात्र 37 जानवर हो पाए हैं। हाँ भैया, जितना दूध को जितने खपत है यहाँ उतने दूध जानवर रखना है। अच्छा, तो सारा दूध है आपका सारा काउंटर से? हाँ, काउंटर से ही बेचते हैं, कहीं देते नहीं। और कहीं और नहीं देते? नहीं देते। अच्छा, तो अपना जो है सिटी के अंदर डेयरी फार्म है। हाँ। सर इस समय आप अपने पशुओं को फीडिंग में क्या दे रहे हैं? चूनी चोकर। चूनी चोकर खाली जो आपकी पास भैंसे हैं कितने लीटर वाली हैं लगभग? बस भैया 8 से लेकर 12 लीटर तक की। बस 8 से लेकर 12 लीटर तक की। बस भैंसे कहाँ से आती हैं? ये आती हैं इलाहाबाद प्रयागराज से। इलाहाबाद प्रयागराज से आती हैं। तो आपने नहीं तैयार किया जैसे 1990 का आपका डेयरी फार्म है? क्या जी, आपने नहीं एनिमल तैयार किया? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, जगह नहीं है? जगह नहीं है, इसलिए दूध का ही काम करते हैं। मतलब जितना आपका दूध सेल हो पाए उतनी भैंस रखते हो। बस। तो कितना प्रोडक्शन हो रहा है आपके डेयरी में इस समय? 3 क्विंटल। 3 क्विंटल। अच्छा, तो कितने दिन तक रखते हैं जैसे भैंस ब्याह गई तो कितने महीने तक रखते हैं अपने फार्म में? 7-8 महीने तक। 7-8 महीने तक। फिर उसका क्या करते हैं? फिर उसको रिटर्न कर देते हैं, वापस कर ले जाते हैं किस। अच्छा, वापस करके फिर नया भैंस मंगा लेते हैं। अच्छी पलटी हो जाती है। तो जैसे आपने बताया लगभग आपके डेयरी में 3 क्विंटल दूध का प्रोडक्शन है, उत्पादन है, तो क्या रेट से बिक जाता है? हाँ, यहीं से जाता है। तो क्या रेट से बिकता है? 70 रुपए। 70 रुपए। और गाय तो पाला नहीं है आपने? गाय नहीं, केवल भैंस। अच्छा, तो 3 क्विंटल बेचने में कोई दिक्कत नहीं है आपके? काउंटर से बिक जाता है जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आसपास और बहुत सारी डेयरियाँ हैं। तो अभी तक कोई प्रॉब्लम आई आपको जैसे आपको 1990 का डेयरी फार्म है, अभी तक कोई समस्या आई? नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं। जैसे एनिमल में कोई प्रॉब्लम आई हो? बीमार तो रहे आएंगे जानवर, तो लगा ही रहेगा जानवर बीमार है, सब चीज होता है उनको। अच्छा, उनको दवाई दारू कराना पड़ता है, उनको स्वास्थ्य के लिए करना पड़ता है जी। हाँ। तो मतलब ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई आपको जो आपको ऐसा लगे कि डेयरी फार्म बंद करना पड़ेगा? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, तो किसान साथियों आपको थोड़ा सा मैं डेयरी फार्म का टूर करा देता हूँ क्योंकि शुक्ला जी थोड़ा दूध बांटने में बेस्ट है, इसलिए मैं आपको डेयरी फार्म का टूर करा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ड्राई फॉडर स्टोरेज है, यहाँ पे ड्राई फॉडर स्टॉक किया जाता है और उसके बगल में जस्ट बोरवेल है, यहाँ से पानी यानी जो भी फार्म में लगता है। यहाँ पर काफ बंधे हुए हैं और यहाँ पे मिल्किंग चल रही है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ का काम होता है। अभी शुक्ला जी से पूछेंगे यहाँ का काम कितने बजे चालू हो जाता है, सुबह कितने समय चालू होता है और शाम को कितने समय चालू होता है। तो जो यहाँ का शेड है पूरा पक्का बना हुआ है, पूरा जिसमें इंटर लगा के पूरा पक्का बनाया गया है, इसमें कोई टीन सेट नहीं, कोई जुगाड़ नहीं है, जो है सेट कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ही अच्छा है यहाँ पे। तो इस लाइन में आप देख सकते हैं भैंसे बंधी हुई हैं और जो यहाँ के वर्कर हैं सारे काम कर रहे हैं, कोई मिल्क निकाल रहा है, कोई गोबर इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि सुबह का समय है इसलिए सारा जो है डेयरी में काम चल रहा है। और इधर भी एनिमल बंधे हुए हैं आप देख सकते हैं, तो इधर भी भैंसे हैं। और सबसे लास्ट एरिया में किसान साथियों हम आ गए हैं, तो यहाँ पे लास्ट एरिया में मुझे लगता है टीन पड़ी हुई है, लगता क्या है टीन पड़ी हुई है। तो जैसे बताया सर ने कि 1990 का डेयरी फार्म है तो ये बहुत पुरानी टीन पड़ी हुई है और यहाँ पे भी कुछ भैंसें बंधी हुई हैं। भाई ये बताओ कितने बजे काम शुरू हो जाता है यहाँ पे? 3 बजे। 3 बजे सुबह? हाँ। और शाम को? शाम को चार बजे से यहाँ के जो कस्टमर हैं उनको सुबह मस्त ताज़ा दूध मिल जाता है। तो कुछ इस प्रकार है यहाँ पे शुक्ला डेयरी फार्म का टूर ऐसा है कि सारा पक्का कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पे जो है पूरी भैंसें बंधी हुई हैं। तो आइए चलते हैं शुक्ला जी से कुछ और बात करते हैं। सर जैसे मैं अभी आपका फार्म घूम के आया तो सारे एनिमल जो हैं सब मिल्किंग बफेलो लग रही हैं और मिल्किंग बफेलो ही पालते हैं जैसे कि आपने बताया। तो लगभग आप जो है मिल्किंग स्टॉक करने के लिए मतलब जो पीक टाइम नहीं रहता डेयरी का जिसमें क्या रहता है कि दूध हमको बराबर वैसा ही मिलता रहे, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, हमारे जानवर ही उतने हैं। अच्छा, जानवर रखते हैं जितना जो दूध चाहिए हमको। जितना दूध चाहिए उतने जानवर, जैसे ज़्यादा दूध चाहिए तो फिर भैंस बढ़ा लेते होंगे। हाँ। अच्छा, इस समय जैसे महंगाई बढ़ रही है, बहुत सारे फार्मर कह रहे हैं रेट बहुत बढ़ गए हैं दाने के, तो क्या कितना मुनाफा कमा रहे हैं आप? मुनाफा खत्म हो गया भैया। अच्छा, दूध का रेट को नहीं देने तैयार है। दूध का रेट आपको नहीं मिल रहा, आपको तो डेयरी से ही दूध बिक जाता है। 100 रुपये दूध बिकना चाहिए। 100 रुपये दूध बिकना चाहिए। 32 रुपये किलो दाना है भैया। अच्छा, 12 रुपये किलो भूसा है जी, इसलिए प्रॉफिट नहीं हो रही। बस जी खा ले बस बहुत उतना। अच्छा, तो क्या प्लान है आगे का आपका? जब तक चल रहा है इसको बंद करेगा आदमी और क्या करेगा।
अच्छा मतलब ज्यादा मन नहीं कर रहा है कि थोड़ा और बढ़ाना, कहीं और जगह पे शिफ्ट किया जाए, डेयरी फार्म विस्तार किया जाए, कुछ ऐसा मन में आपका दिमाग में ऐसा नहीं चल रहा है? अच्छा चलिए ठीक है शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सारा कुछ बताया।